पक्षियों तक का ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। हाँ, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाल ली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दू ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बाकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। तो हमें पता है जी हम कितने धार्मिक हैं। जब हम मंदिर जाते हैं, जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते हैं और जूते भी, बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण हो रहा था। अच्छा, आपको हरियाणा में वृद्धाश्रम की भी समस्या नहीं मिलेगी। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़िया है। बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आई हो। तो हमारी संस्कृति थोड़ी अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण ने हो रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले मरण ना हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लू, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना हो लेगा। तो हमारी धार्मिक स्थिति भी अलग है जी। दरअसल क्या है, हरियाणा अलग तरह का प्रदेश है, बहुत मस्त प्रदेश है, क्योंकि हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्यरस में रहता है। हास्य के लिए थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आदमी बोले खाली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं। इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा, बोले हाँ, बोले कितने पैसे, बोले 25 रुपए, बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले, वरना रेल के नीचे आ जाएगा। तो ये अलग मस्ती है जी, और ये मस्ती जीवन में रहनी चाहिए। दरअसल क्या, हरियाणा का आदमी साफ रहता है बिल्कुल, जो मन में है वही जबान पे है। वो प्रदीप जी, एक का मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो एक ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। अरे खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वो सकते में आ गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, बोले इसे जाना ताई, खूब जानू हूं, कर्नल काणे का छोरा है यो, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। अब साहब जज ने कोर्ट स्थगित करी, अपने चैंबर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। बहुत साफ मामला है जी, बिल्कुल बहुत अच्छे। कहते ना डर के आगे जीत है, हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्यरस है। वो एक चौधरी सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से 25-30 साल की एक महिला, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं, तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना। बताओ ऐसे का चुड़ैल भी क्या कर लेगी।